शर्मा, जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस 7 बटालियन। ऐ आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबे रूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। पहला दस्ता 65 को हुआ। इसकी मुख्य जिम्मेदारी शांति काल के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना, सीमा की रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय अपराध जैसे रुपये, नशीले पदार्थों की और उनके ठीक पीछे और अब इस समय सलाम मंच के सामने से जो रहा है बीएसएफ का दस्ता, जबकि कमांडेंट अनिल कुमार कौशिक के नेतृत्व में बीएसएफ की टुकड़ी सलाम मंच के सामने से निकलते बीएसएफ के ठीक पीछे इस बल की प्राप्ति भूमिका किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस कार्रवाई में सहयोग देना है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ आतंकवाद विरोधी अभियानों में जम्मू कश्मीर पुलिस व सेना की निशाना बनाना रहकर कार्रवाइयों को सफल बनाने में मदद करती आ रही है। इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं असिस्टेंट कमांडर एस आर मोहल्या। सलामी मंच के बिल्कुल निकट सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी जम्वाल अपने कुशल नेतृत्व में मोनीश्वर सिंह जम्वाल, आप वीरपुर सांबा के रहने वाले हैं। इस बल का गठन 1962 में स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से हुआ था और इस बल को नेपाल भूटान की सीमाओं की रक्षा के लिए जम्मू कश्मीर झारखंड सशस्त्र सीमा बल के बाद अगली टुकड़ी इंडियन रिजर्व पुलिस के बहादुर जवानों की टुकड़ी कमान कर रही है डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उपदेश कुमार। आपने 1998 में जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस में सब इंस्पेक्टर के औहदे पर अपनी सेवाओं के पश्चात 1999 में अपनी बेसिक ट्रेनिंग पूरी की, बड़े गर्व से भाग ले रहे हैं। देवी और सज्जनों, अगली टुकड़ी इंडियन रिजर्व पुलिस महिलाओं की टुकड़ी कमान कर रही है डॉक्टर सुनिया वानी, डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनिया वानी। एक आसमान कम पड़ता है और आसमान मंगवा दो, बेसब्र मेरी उड़ाने मेरे पंख नीले रंगवा दो। विमेन एम्पावरमेंट कॉन्स्टेंट एग्जाम्पल एंड एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन। आजादी की इस टुकड़ी के बाद अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है एग्जीक्यूटिव पुलिस का दस्ता, जिसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। कमान संभाले हैं डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस प्रियंका कुमारी। डीएसपी प्रियंका कुमारी आईटी ग्रेजुएट हैं और इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में से आप एसओजी के नाम को भी जानते हैं में तैनात हैं। खुशनुमा होता मौसम, बरखा की बूंदे और हवाएं भी आज के समारोह में शामिल होना चाहती है। स्वतंत्रता दिवस का जोश मन में लिए कदम से कदम मिलाते अब जो टुकड़ी सलामी मंच की ओर बढ़ रही है उन्हें आर्मी पुलिस आर्मी बटालियन डिप्टी सुपरिंटेंडेंट जगदेव सिंह के नेतृत्व में सुपरिंटेंडेंट राजेश शर्मा की अगुवाई में एसडीआरएफ का दल आपदा कोई भी हो, सैलाब, भूचाल, भूस्खलन, मुसीबत में फंसे लोगों की रक्षा और उनके बचाव के लिए, उनकी राहत के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाता है हमारा डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स आपदा मोचन बल। और ठीक इसके पीछे सलामी इस दस्ते को लीड कर रहे हैं डिविजनल फायर ऑफिसर गोवर्धन सिंह कलोरिया। जेके फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का उद्गम 1993 में हुआ था और आज से ये आपदा प्रबंधक के कामों में मुस्तैदी से जुटे हैं। इनका मुख्य उद्देश्य बीतर सेव अग्निशमन सेवा को इनकी प्रेसिडेंस फायर सर्विस मेडल फॉर गैलेंट्री तथा प्रेसिडेंस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज से नवाजा जा चुका है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कॉन्टिजेंट के बाद जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की टुकड़ी कमान कर रहे हैं डिप्टी इंस्पेक्टर राकेश भल्ला। इस बल का गठन 1986 में जम्मू एवं कश्मीर के वनों की सुरक्षा के लिए किया गया था तथा इन्हें एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, नाम सुनते ही जो छवि हमारी आंखों के सामने आती है वो उन किशोर किशोरियों की विद्यार्थी जीवन में ही अनुशासन और एकता की प्रतिमूर्ति बन जाते हैं। अमन शर्मा के नेतृत्व में एनसीसी बॉयज का ये दस्ता सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए अमन शर्मा मेडल जीत चुके हैं। एनसीसी विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व करने की क्षमता
विश्वास, संचार कौशल, देश प्रेम, आत्मनिर्भरता और देश सेवा के लिए निसंकोच आगे बढ़ने जैसे गुणों को विकसित किया जाता है। एनसीसी गर्ल्स का ये दस्ता सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए मनकीरत गौर की अगुवाई में, मनकीरत गवर्नमेंट कॉलेज में वुमेन पैरेड की छात्रा है, मार्शल आर्ट्स में प्रदेश सतह पर गोल्ड मेडल और फेंसिंग यानी तलवारबाजी में सिल्वर मेडल जीत चुकी है। सलामी मंच के बिल्कुल सामने पहुंच चुका है गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर का ये, हर वर्ष की तरह वही हर्षोल्लास के साथ ही स्कूली बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में परचम अपना लहराएंगे, यही है लक्ष्य हमारा, इसी को दोहराएंगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर की ये छात्राएं कमान कर रही हैं, खुशी शर्मा 11वीं कक्षा की छात्रा रह चुकी हैं। और आप जो टुकड़ी सलामी मंच की ओर बढ़ रही है वो है श्री रणवीर मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों का दस्ता। जम्मू का बहुत पुराना स्कूल जिसे आज एक आदर्श स्कूल का दर्जा दिया गया है। 12वीं कक्षा के छात्र गौतम के नेतृत्व में ये धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं, वो है श्री रणवीर मल्टीलेटरल हायर सेकेंडरी स्कूल का बैंड। मानिक कमोत्रा इस बैंड की अगुवाई कर रहे हैं। कदम कदम मिला, कदम कदम बढ़ा, पीछे हटना काम नहीं, आगे बढ़ता जा। इस गुण के साथ ये नन्ही उंगलियां बांसुरी के छिद्रों पर ठेलियां करती, नन्हे हाथ ड्रम की थाप पर एक साथ बजते, ये शानदार धुन पेश कर रहे हैं। और सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ गुल गुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा की मधुर धुन। सिक्योरिटी फोर्स का ये ब्रास बैंड कमांड कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर चेतराम भारद्वाज, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला यूनिवर्सिटी से एमए किया और ऑलराउंड पुलिस बैंड प्रतियोगिताओं में 6 बार गोल्ड मेडल, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। आपको सौभाग्य प्राप्त है रिपब्लिक डे परेड में भी भाग लेने का और आज बड़े गर्व के साथ पुलिस बैंड का गठन हुआ था। देशों का सरताज भारत ये धुन बजाता अपने अनोखे अंदाज में सलामी मंच की ओर ये बल बढ़ता आ रहा है। ये बैंड ऑल इंडिया पाइप बैंड कॉम्पिटिशन में 2 बार ब्रॉन्ज, 2 बार सिल्वर और 1 बार गोल्ड मेडल भी जीत चुका है। हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर पुलिस के इस पाइप बैंड को 2019 में केवड़िया गुजरात में आयोजित एकता दिवस परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सम्मानित किया जा चुका है। अपनी विशेष अदाओं, अपने विशेष अंदाज के लिए देश भर में खास पहचान रखने वाला जम्मू कश्मीर पुलिस का पाइप बैंड दिवस की आकृति बच्चों ने बनाई है, आप सामने देख सकते हैं। इसमें जो स्कूल भाग ले रहे हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर, गवर्नमेंट हाई स्कूल बाहूकोट, गवर्नमेंट हाई स्कूल भोरकैम, हाई स्कूल छनी हिम्मत, हाई स्कूल गांधीनगर, हाई स्कूल सतवारी और ब्लूमिंग डेल पब्लिक हाई स्कूल नानक नगर। तो ये कश्मीर की धरती के पानी में चलता